ओके, तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसी लिस्ट जिसके अंदर आपको 10,000 से कम कीमत पे आपको बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस टाइम कई ऐसे स्मार्टफोन हैं जो 10,000 के अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन दे देंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए चुन के ऐसे स्मार्टफोन लेके आया हूँ जिनके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन और बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा 10,000 के अंदर अंदर। जैसे कि आप जानती है फेस्टिवल सेल अब धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है, लेकिन दोस्तों उस टाइम शायद आपका बजट ना हो, अब आप स्मार्टफोन अगर लेना चाहते हैं 10,000 से कम कीमत में तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप सारे स्मार्टफोन को देख सके और इनमें से कोई एक स्मार्टफोन आप चुन सके अपने लिए जो कि बेस्ट स्पेसिफिकेशन और बेस्ट प्रोसेसर दे देगा आपको 10,000 के अंदर अंदर। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है मोटोरोला का E7 प्लस। दोस्तों बजट स्मार्टफोन में ये एक नई एंट्री मारी है मोटोरोला ने। दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर मैं आपको कीमत बताऊं तो इसकी 9,499 रुपए कीमत है, और वहीं इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच की वाटर ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। फोन की ताकत की बात करें तो इसके अंदर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा 5,000 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ जो कि आपके 10 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। वहीं दोस्तों इसके बैक पैनल पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 48+2 का, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस फोन में आपको लगभग स्टॉक एंड्रॉइड का ही लेआउट देखने को मिलेगा जिससे आपका लेआउट बिल्कुल क्लीन देखने को मिलेगा, बिना किसी ब्लॉटवेयर या बिना किसी एड के देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें अगले स्मार्टफोन की तो हमारा अगला स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी का नार्जो 10A। दोस्तों ये स्मार्टफोन रियलमी के C3 का ही एक अपग्रेड वर्जन है जिसके अंदर आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 6.5 इंच की HD+ स्क्रीन के साथ आपको MediaTek का हीलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी बढ़िया और ताकतवर प्रोसेसर है। वहीं आपको इसके 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज की 8,999 रुपए कीमत देनी पड़ेगी, और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज की आपको 9,999 रुपए देनी होगी। इसके अंदर 5,000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, आपको बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें 12 मेगापिक्सल का आपको एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको सेल्फी के लिए इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की जो कि हमारा होगा Redmi का 9। दोस्तों Redmi 9 Redmi 8 का ही अपग्रेड वर्जन देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों Redmi 9 में आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और वहीं आपको Redmi 8 में USB C केबल देखने को मिल रही थी जो कि एक डाउनग्रेड वर्जन हो गया है अगर मैं 9 की बात करूँ तो। वहीं अगर Redmi 9 के कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.53 इंच की HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाएगी MediaTek के हेलियो G35 प्रोसेसर के साथ। वहीं इसके अंदर आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी MIUI 12 के सपोर्ट के साथ, और Android 10 पर ये काम करता है। और वहीं इसके बैक पैनल डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 13+2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, और सेल्फी में आपको एक 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों चलते अगले स्मार्टफोन की तरफ जो कि हमारा रियलमी का C15 और रियलमी C12। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी एक जैसे ही हैं, दोनों के अंदर ही आपको 6.5 इंच की HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको MediaTek का हेलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6,000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, और वहीं आपको रियलमी के C12 में आपको 10 वोल्ट का एक चार्जर देखने को मिलेगा, और रियलमी के C15 में आपको एक 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। C12 में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज, और वहीं आपको रियलमी C15 में आपको एक और अतिरिक्त वेरिएंट देखने को मिल जाएगा 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। अगर कैमरे की बात करें तो रियलमी C12 में आपको ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। रियलमी C15 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल के एक प्राइमरी सेंसर के साथ, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा और 2 मेगापिक्सल का आपको रेट्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। वहीं सेल्फी की बात करूं तो रियलमी के C12 में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, और रियलमी के C15 में आपको एक 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं आखिरी स्मार्टफोन की जिसका नाम है दोस्तों Redmi का 9 Prime। दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी पसंद करा जाता है जब से ये मार्केट में उतरा है। इसके अंदर आपको 6.53 इंच की फुल HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, वहीं आपको इसके प्रोसेसर के लिए MediaTek का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी गेमिंग भी काफी मदद करता है, वहीं ये काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। इसके अंदर आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसका एक और वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। ये फोन Android 10 पे काम करता है MIUI 11 पे, और वहीं इसके बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं आपको इसके अंदर 5,000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी एक 10 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ। दोस्तों यही वो स्मार्टफोन जो 10,000 के अंदर आपको काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करा रहे हैं फीचर्स। वहीं दोस्तों इस फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सारे ही फोन में आपको MediaTek के प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे ज़्यादातर, और फोन में आपको और भी फीचर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे जैसे कि इसका कैमरा और इसकी डिस्प्ले। दोस्तों आप किसी भी स्मार्टफोन को एक परचेस कर सकते हैं, और अगर मेरी तरफ से कोई अगर एक फ़ोन आपको चुनना है तो आप Redmi के 9 Prime की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है
इसके अंदर आपको डिस्प्ले भी फुल HD प्लस देखने को मिल जाएगी, वहीं आपको इसके अंदर MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो गेमिंग के मामले में ये स्मार्टफोन इन सारे स्मार्टफोन को पछाड़ देता है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ सामने आ रही थी कि Redmi के स्मार्टफोन शट डाउन हो रहे हैं अपने आप ही। दोस्तों इस खबर को भी देखकर कोई स्मार्टफोन खरीदना कि आपका फ़ोन Redmi का कहीं आते ही शट डाउन ना हो जाए। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों कोई भी फ़ोन पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन पसंद आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।